कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और हैप्पी फादर्स डे। सब बोल दो, सबको बोल दो हैप्पी फादर्स डे एवरीवन एवरीवन। तो अभी हो गया यहाँ दोपहर, सुबह से चल रही है तो हैप्पी फादर्स डे बोल दे। दादी बोलो हैप्पी फादर्स डे। उधर देखो, दादी को देखो। तो सुबह से हमारे घर में प्लानिंग चल रही है कि अभी केक कटेगा, अभी थोड़े से गेम वगैरह होंगे, लेकिन किसी को भी टाइम नहीं हो रहा था, कहीं जाना था हम लोगों को। ऋषु भी वॉक करने आज जाते हैं, जो कि मैं ब्लॉग में बता बता कर सबको रटा दी होंगी अभी तक। तो अब भी थोड़ा सा हम लोगों को टाइम मिला है, घर पर आए हैं, तान्या भी आई हुई है, मदर्स डे में भी थी और आज फादर्स डे में भी हमारे यहाँ। एल्सा का चश्मा कौन दिया है ये भी बता दो। अदिति चाची। यस, तो हम लोग अभी उनके घर गए थे लंच के लिए, वहां से इनको चश्मा गिफ्ट में मिला है और अब कर लेंगे छोटा सा एक सेलिब्रेशन 10 मिनट का। और उसके बाद कुछ हमारे पास गेम है खेलने के लिए ऋषु और रोज के बीच में, तो बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन 2-3 तो अभी खेल लेंगे, वो क्विक खत्म हो जाएगा क्योंकि रोज बहुत जल्दी थक जाएगी, पता है पहले से ही। तो चलिए उसके पहले स्टार्ट करते हैं केक विक। और एक प्यारा सा डिफरेंट तरीके का केक इस बार हम लोग लाए थे, स्विस रोल, जो कि बेकरी स्टोर में, कौन से बेकरी में मिलता है मुझे ऋषु से पूछना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मोस्टली ब्रेड ही होता है, इसमें क्रीम काफ़ी कम होता है इसके अंदर के साइड में। तो ये सारी प्रिपरेशन तान्या दीदी ने ही, कि मतलब लिखी है तान्या दीदी, रखा है मैंने, सबका मिला जुला है। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ एंजॉय कीजिए। हैप्पी फादर्स डे बाय द वे। Happy Father's Day to you. Yay! India to buy. Le beta, mana Happy Father's Day. Wow, daddy ko to khila do. Such a pretty picture, and I think this is my one of my favorite. Oh! I licked you. I licked you. How was it so much? तो रोज को अपना गिफ्ट बहुत पसंद आया और अभी खेलेंगे। तुमको कैसा लगा अपना गिफ्ट? बहुत बढ़िया है ना। तो चलिए अब खेलते हैं नेक्स्ट गेम और फिर फटाफट से खत्म कर देते हैं ये और बनाते हैं। तो अभी जो गेम होने वाला, जो होने जा रहा है, वो कौन सा गेम है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ है 2 ओरियोज या कोई भी बिस्किट, जो भी आप ले लें, कोई भी सामान खाने वाला इस शेप का हो, जो कि बहुत ज्यादा सरके नहीं आपके फेस के ऊपर से। इसको करना क्या, देखिए ये बता भी रही है ऑलरेडी। तो उसके अपने फेस के किसी भी पार्ट पर आपको उसको रखना है, उसके बाद आपको ट्राई करना है बिना हाथ इस्तेमाल किए कि वो आपके मुंह में आ जाए और देखा जाए इनमें से किसका वो सबसे पहले आता है। और अपने हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, जस्ट डू इट लाइक दिस, मेक योर फेस सो फनी। Put it on ice.
दूसरा गेम क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो मतलब बाप बेटी में से किसी एक को पुशअप करना है तो कौन करेगा ऋषु रोज पुशअप करेगा मैं उसके नीचे तो ऋषु पुशअप करेंगे और पुशअप करने के बाद रोज को उसके नीचे से ऐसे निकलना है बार बार वो करता रहेगा निकलती रहेगी देखना है कि ऋषु पहले थकते हैं कि रोज पहले थकती है थकता कौन है जो पहले थक गया वो हार गया फाइनल रोज कौन जीतेगा डैडी या रोज मैं पूरा कॉन्फिडेंट रहती है मेरी बेटी हर टाइम मेरी बेटी के साथ आप खेल रहे हैं तो सारा मैच फिक्स है लिखा है मेरा बच्चा आई लव यू डैड सो मच दिखाइयो डैडी को अपने yeah.
और अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने फ्रेंड के घर लंच के लिए। कल लंच और डिनर दोनों बाहर ही था हम लोगों का, और यहाँ रोज को मिल गया है उसका प्यारा सा एल्सा का चश्मा, जिसको पहन करके वो सुपर हैप्पी है। आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरी एल्सा चश्मा है, वो अनपैक हो गई। और देखो और यहाँ चल रहा है हम लोगों का यमी यमी लंच। सब खूब जम के खाए हैं, कल पूरा पार्टी डे था हमारा। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं रोज? यस, किसी के घर जा रहे हैं, बर्थडे है। मेरी फ्रेंड प्रियंका जो आज रेडी हो गई है वीडियो में आने के लिए। लास्ट टाइम नहीं हुई थी। तो अभी हम लोग आए हैं बर्थडे पार्टी में, और पीछे आप लोगों को डेकोरेशन दिख रहा होगा। और यहाँ चल रहा है पार्टी शार्टी। पूजा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और लेकिन यार मेरी फ्रेंड्स में सब टक्कर देने वाले ही हैं। ये एक नंबर का जलेबी बना के लाई है। मतलब इंडिया के बाद मैंने जलेबी अभी तक यहाँ कभी अच्छा नहीं खाया है, कसम से। यूएस आने के बाद कभी अच्छी जलेबी नहीं खाए हैं। मतलब मैंने अभी तक दो खाया है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है ना, ये बहुत नहीं बना के लाई, थोड़ा है। और इधर बनी है कलरफुल बूंदी भैया के भी हेल्प से, सिर्फ इसमें प्रियंका का हाथ नहीं है। और मैं खा के भी बता देती हूँ कि कैसा है। और अभी हो गया है हम लोगों का खाना पीना, डिनर एंड ऑल सब कुछ। तो और यहाँ चल रही है सबकी बातें, और उस बीच मैंने अपना फ़ोन उठा लिया है, तो इन लोगों को लगा कि अरे ये सारा टॉपिक छोड़ करके ये बीच में क्या घुस गई है। बट मुझे दिखाना है ना, मुझे बताना है आप लोगों को कि ऑलमोस्ट हमारा अब यहाँ का टाइम ओवर हो रहा है, घर जाना है हमें। बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, और मेरी फ्रेंड के घर मतलब कम्युनिटी के अंदर ही बहुत ही सुंदर सा एक पार्क। यूनिकॉर्न वाला बहुत सारे स्टिकर्स मिले हैं रोज को। ओ वाओ, रोज ये यूनिकॉर्न का पर्स मिला है, और ये यूनिकॉर्न का नेकलेस मिला है रोज को, और क्या मिला है, वाओ इतना प्यारा सा ब्रेसलेट मिला है यूनिकॉर्न का, और ये है हेयर टाइज बाल में लगाने के लिए रोज को मिला है, और इतना सारा कैंडी मिला है रोज को रिटर्न गिफ्ट। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस रोज? की रिंग। It's a thing that you can stick on the purse. Thank you, Kisha Didi. For everything. For everything. Book. It's a love book.
What I love about. तो इसमें आपको डैडी को दोनों लोग को फील करना है. What makes when we are apart, it makes me happy to think about. Dad, no matter how old, I will always be your little girl friend, Shel Berlin. और इन सब के बाद अब आप लोगों के साथ में एक बहुत ही यमी और क्विक सी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, स्टफ्ड इडली की रेसिपी, जिसके लिए मुझे एक कप सूजी चाहिए. और सूजी मेरी थोड़ी मोटी थी तो मैंने उसको ब्लेंडर में थोड़ा ब्लेंड करके पतला कर लिया. आपके पास पतली सूजी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं. और जितना सूजी रहेगा एग्जैक्ट उतने अमाउंट में ही मेरा योगर्ट यानी दही भी होना चाहिए. दैट्स इट, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है. दोनों को एक में मिक्स करेंगे. अभी आपके सामने सारा प्रोसेस चल रहा है. देन थोड़ा सा मैंने नमक भी उसमें इस टाइम पर ऐड कर दिया है. दैट्स उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे इस टाइम पर. ऐसे ही उसको मिक्स करके और 15-20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे. आपके पास टाइम है तो 1.5 घंटे भी रख सकते हैं. मैंने सिर्फ 15-20 मिनट रखा था. दैट्स इट. और उसके बाद बना लेंगे हम अपने स्टफ्ड इडली है तो उसके लिए आलू का मसाला बनाएंगे. आप चाहे तो पनीर भी बना सकते हैं या फिर कुछ और भी नट्स के भी बना सकते हैं. मैंने उसमें थोड़े से, एक्चुअली आलू में भी मैं थोड़ा सा नट्स यूज कर ही लेती हूँ, बट ये टोटली ऑप्शनल है. आपको पसंद है तो कीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉर्मल आलू मसाला भी बहुत यमी लगता है इसके साथ, बिल्कुल सैंडविच जैसा. तो मैंने जीरा ऐड किया है उसमें. फिर उसके टाइम पर मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स ऐड किया है. थोड़ा सा मस्टर्ड सीड के बाद क्या ऐड किया था मेरा यार, बहुत जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ. करी पत्ता था, हरी मिर्च थी, उसके बाद थोड़ा सा हींग था, और अभी मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है अनियंस, और उसके बाद ग्रीन पीस. ये टोटली सारी चीजें आप पर डिपेंड करती हैं. आपको गार्लिक भी अगर नहीं डालना है तो ना डालें. फिर धनिया डाला है मैंने, हल्दी डाला है और लाल मिर्च पाउडर डाला है. उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड किया है. आपको जो भी ऐड करना है कर सकते हैं. फिर थोड़ा सा मैंने भाजी मसाला ऐड किया है, अनारदाना ऐड किया है, आप आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं. देन नट्स मैंने ऐड किया है, और उसके बाद डाल दिया है हरा धनिया का पत्ता बिल्कुल फ्रेश. देन कवर करके 3-4 मिनट पकाए हैं, 3-4 मिनट नहीं 1-2 मिनट पकाए हैं. देन उसके बाद मैंने आलू डाल दिया और हमारा मसाला बिल्कुल 100% रेडी हो गया है. अब चलते हैं इसको भरने के साइड में. साथ में ही मैंने पानी भी रख दिया है उबलने के लिए, ताकि इडली हमारी फटाफट रेडी हो पाए. पहले उसको मैं ऐसे ग्रीस कर लेंगे. आप लोग को सबको पता होगा कि इडली के लिए पहले उसको ग्रीस ही करना होता है. आप चाहे तो देसी घी से भी कर सकते हैं, बट मैंने रिफाइंड ऑयल से किया था. और उसके बाद ये छोटे छोटे से बिल्कुल टिक्की बना के रेडी करेंगे, बहुत बड़े नहीं, अदरवाइज उसको भरने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. और ऐसे पतला बारीक जो हमारा कॉर्नर है ना, वो ऐसे पतला पतला होना चाहिए. पूरी टिक्की मेरी रेडी हो चुकी है, और अब खोलेंगे अपना बैटर जो मैंने पहले से बना के रखा है. कितना गाढ़ा है ना. अभी हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी ऐड करेंगे. और सूजी के बैटर के साथ एक बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है आपको, कि इसका बहुत लिक्विडी बैटर आप बनाओगे ना तो फिर ये पकेगा नहीं, स्पॉन्जी नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ आएंगी. तो एक थिक बैटर ही आपको चाहिए इडली के लिए. आप देख लीजिए कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, मैं आपको इस वाले वीडियो में दिखा रही हूँ. दैट्स इट, देख लीजिए कैसी है. और अब ऐड करेंगे बेकिंग सोडा. आप चाहो तो इनो भी ऐड कर सकते हैं. मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है, 1/2 टीस्पून है, बहुत ही थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा नहीं, ताकि वो फ्लफी बन सके. और उसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसको एक्टिवेट करने के लिए. दैट्स इट. और उसके बाद अच्छे से एक साइड से हम उसको मिक्स करेंगे, बार बार नहीं, और बहुत देर तक बिल्कुल भी इसको मिक्स नहीं करना है इनो या फिर बेकिंग सोडा डालने के बाद, नहीं तो फिर वो अच्छे से फूल नहीं पाएगा, बबली हो जाएगा, और वैसा नहीं चाहिए. और देखिए कैसे मैं फिलिंग कर रही हूँ. पहले थोड़ा सा चम्मच से डालेंगे नीचे, उसके बाद एक टिक्की रखेंगे और फिर उसको कवर कर देंगे. स्टीम होने के बाद वो बहुत ही यमी सा दिखेगा. और ऐसे आप कोई भी फिलिंग उसके अंदर कर सकते हैं, सिर्फ आलू ही नहीं. तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और बताइए कि आपकी इडली कैसी बनी. और अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा. इस व्लॉग में आपको कहीं से कुछ भी अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना. और ये 15 मिनट के लिए इडली मेरी चली गई मीडियम फ्लेम पर. दैट्स इट, 15 मिनट बिल्कुल गिन के, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. और जब तक से कि ये बहुत ही अच्छे से ठंडा ना हो जाए, आप इसको बिल्कुल नहीं निकालिएगा. तो हो गई रेडी, और आपको अब दिखाते हैं, सर्व करके भी दिखाते हैं. चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए करते हैं आप लोग को टाटा बाय बाय.